नमस्कार, आप लोग को बता दें जो पीछे में जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी जानकारी देंगे आपको कि बहुत बड़ा एक कहा जाए कि पूरा जिला में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर बन के तैयार है, निर्माण हो गए हैं। बताना चाहेंगे आप लोगों को हम जो निश्चलानंद सरस्वती जो है उन्हीं का ये गांव है, वर्तमान में उन्हीं का ये गांव है, डी है, उनके गांव आए हैं और ये नाम, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये मानसा देवी मंदिर के नाम से यहाँ पे बनाया गया है और माता के प्रतिष्ठान यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे कुछ जानना चाहेंगे, कितना कुछ जानते हैं। सरस्वती स्वामी जो थे तो वो बचपन में हम लोग देखे हुए हैं, 15-16 साल के थे हम लोग, सबसे 5-10 वर्ष ज़्यादा ऊँचे थे। वो विषहरा जी के उनको मंत्र से उनको मृत्यु भी रहता था, उसको भी वो मंत्र से अपना वो उनको जिला देते थे, इतने शक्ति उनके पास में उठे विषहरा जी के। अच्छा, बहुत चाटी चलती थी उनके पास। मतलब पहले यहाँ से शुरुआत किए थे, मतलब ऐसे विषहरा का ऐसे भक्त थे कि साक्षात उन पे आ जाते थे और जिनको छू देते थे वो अपना कितना भी जहरीला सांप अगर काटे, सर्प काट लेते थे, वो ठीक हो जाते थे। वो यहाँ पर ठीक हो जाते। अच्छा, वो कब चले गए यहाँ से, गांव को छोड़ करके कब चले गए? तो सुनते वो लोग, हम लोग बचपन ही में थे, वही 15-16 वर्ष के बाद में वो यहाँ से 12 बजे रात में यहाँ तक आए, स्थान पर आए, सती माई के बंदगी कर करके, प्रणाम कर करके यहाँ 12 बजे रात। शिव शंकर उनके साथी थे, कहा तुम भी चलो, कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो वो अकेले अपने यहाँ से चल दिए। तो उसके बाद कभी फिर गांव लौट के नहीं आए? गांव लौट के कभी नहीं आए। तो क्या है कि अब आएंगे गाँव तो आने वाले, यहाँ उद्घाटन मनसा देवी का मंदिर का। अच्छा, ये जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उन्हीं के सानिध्य में हुआ है, उन्हीं के अगुवाई में हुआ है, वही करवा रहे हैं? उन्हीं वही जो किए हैं, तो वही जा कर के पुरी में अभी रह रहे हैं, और जो उनका शिष्य सब है, जो सब है, सब मिल करके यहाँ भव्य मंदिर मनसा देवी का यहाँ बन गया हुआ है। अच्छा, इसका उद्घाटन 24 मई को होने वाला है। अच्छा, 24 मई को आएंगे वो। हाँ। तो क्या लग रहा है आपके गांव वाले या गांव के लोग, मतलब बहुत ही गर्व महसूस करते होंगे कि इतना बड़ा मंदिर और ऐसे आचार्य आएंगे आपके? हाँ, ये भारत में तो ये दूसरा स्थान सुनते हैं, मनसा देवी का मंदिर यहाँ हरपुर बक्सी टोल में जिला मधुबनी में। अच्छा, यहाँ स्थापना हुआ है तो फिर? और इसका उद्घाटन 24 मई को होने वाला है। तो इसमें तो बहुत सारा मतलब पैसा लागत से बना होगा ये मंदिर, ये कुछ जानकारी है कि कितने लागत से बना है ये? अब लागत लगा है कितना का करोड़ लगा में है? आप बताएं। और बोल रहे हैं कितना? 2 करोड़ बोल रहे हैं। 2 करोड़? 2 करोड़। देखिए, बड़े ही बात है कि 2 करोड़ रुपया से ये मंदिर का निर्माण हुआ है और भारत में इन्होंने बताया कि दूसरा स्थान है ये मनसा देवी का मंदिर, दूसरा स्थान आते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही गर्व की बात है कि मधुबनी जिला में और एक सुदूर देहात गांव में, छोटे से गांव में इस तरह का मंदिर का निर्माण हो और ऐसे विद्वानों की ये गांव है ना चाहेंगे। यहाँ कुछ तालाब उलाब भी है कुछ कहा? हाँ, ये तालाब है मंदिर के पीछे में है। वो मंदिर के पीछे में है तालाब है, मंदिर है, सती नाम से उस मंदिर का नाम, पोखरा का नाम है। अच्छा, सती माई का नाम से पोखरा का नाम। अच्छा, तालाब था या कितना तालाब था? 7 तालाब था ना? तालाब एक ही था, 7 नहीं था, एक ही था। हम लोग भी देखे। अरे वो तो बना दिया था, ये फिश मछली वाला बना दिया था। अच्छा, आज का ये जो है। अच्छा, ये जो है पूरा जो जमीन है, आखिरकार हम बताइए, भूमि क्या ये गवर्नमेंट सरकार की है या किसी राजा का कोई भी जो पहले? बिहार सरकार की है। बिहार सरकार की बिहार सरकार खाता नंबर। अच्छा, ये जो निश्चलानंद जी है, सरस्वती आचार्य जी, उनके घर में कोई है कि नहीं अभी भी है? उनके घर में वो भाई की बच्ची सब यहाँ है, भाई सब के है, सब बाहर रहते हैं, सब मतलब बाहर रहते हैं। एक बच्ची है यहाँ उनकी भतीजी, भाई के लड़की, एक इसी जगह रहते हैं जी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, हम जब यहाँ का जो मंदिर का जो उद्घाटन होगा आएंगे, निश्चलानंद जी उनसे मिलेंगे, आप लोग को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग से यह निवेदन है, सबको हकार समझिए, मिथिला का भाषा हकार समझिए, निमंत्रण व्हाइट समझिए। सो आप लोग को इनवाइट हो रहा है, आप लोग 24 मई को आप लोग आइए, मंदिर का स्थापना उस रोज़ मूर्ति स्थापना होगी।